तुमची मुलं मोबाईल वेळी असतील तर ही बातमी तुम्ही आवर्जून पहा, कारण मोबाईलमुळं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत औरंगाबादमधल्या रफिक झकेरिया महिला महाविद्यालयानं आपलं कॅम्पस मोबाईलमुक्त केलं आहे. पाहूयात त्याच संदर्भातली ही बातमी. विद्यार्थी तरुणांमध्ये मोबाईलचं वेड, शिक्षणाचा भस्मासूर ठरतोय मोबाईल. मोबाईलमुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान. औरंगाबादच्या रफिक झकेरिया महाविद्यालयानं शिक्षणाच्या दृष्टीनं मोबाईल भस्मासूर ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढलाय. नुसताच निष्कर्ष काढून हे महाविद्यालय गप्प बसलं नाही, तर प्राचार्यांनी महाविद्यालयीन कॅम्पस मोबाईल मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. मैंने कैंटीन का ऑब्जर्वेशन किया तो कैंटीन में भी बच्चियां जो है तो वो देख भी नहीं रहे कि हम खा रहे क्या, वो सिर्फ उनके हाथ में मोबाइल है और वो बस मोबाइल पे लगे हैं. तो ये सारा जो न्यूसेंस बढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए इसको जो है तो मोबाइल फ्री कैंपस करते हैं. मोबाइल बैनच्या निर्णयानंतर विद्यार्थिनींनी यावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. तर या निर्णयानंतर विद्यार्थिनींची शिक्षणातली एकाग्रता वाढल्याचं शिक्षक सांगतात. सर इसमें फायदा ये है कि स्टडी हो रही और दिक्कत की बात ये है कि अगर कॉल करना रहा तो नहीं कर सक रहे, तो ये प्रॉब्लम फैसिलिटी ने चेंज कर दिए, उन्होंने फैकल्टी ने चेंज करे और फैसिलिटी अवेलेबल ये करे कि रीडिंग रूम में एक फोन रख दिए वो लोगों ने. मोबाइल बैन करना तो हमारे लिए कॉलेज थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आ रही है, पर उसके हिसाब फिर भी देखा जाए अगर उसका अच्छा जो असर जो पड़ रहा है वो ज्यादा है सर. 70% अच्छा असर पड़ रहा है हम पे और 30% तो डिफिकल्टी तो आनी ही है सर, क्योंकि अपना जमाना जो है डिजिटल हो गया. कॉलेज में हम पढ़ने के लिए आते हैं तो फोन जब रहता था तो फोन की वजह से लोग गलत कामों में इंटरेस्ट ले रहे थे और फोन का यूज नहीं बल्कि मिस यूज कर रहे थे. जो कॉलेज ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है. क्लास करने के बाद जब उनका खत्म हो जाता है तो मोबाइल उनको वापस दिया जाता है. तो ये सिस्टम पर से हमारे क्लास में बच्चियों का यानी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और बच्चियां पढ़ रही हैं ज्यादा. महाविद्यालयाच्या गेटवरच मुलीकडे मोबाईल आहे का याची तपासणी केली जाते. त्यांचे मोबाईल सुरक्षित ठेवण्यात येतात आणि जाताना ते परत दिले जातात. इतकंच नाही तर आवश्यकतेनुसार घरच्यांशी संपर्क करायचा असेल तर महाविद्यालयानं एक खास मोबाईल सेवाही उपलब्ध करून दिली आणि हा मोबाईल नंबर पालकांनाही शेअर केला आहे. त्यामुळं जर कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा विकासात अडथळा येत असेल तर महाविद्यालयानं वापरलेली अशी शक्कल नक्कीच कौतुकास्पद आहे. विशाल करुळे, झी मीडिया, औरंगाबाद.